बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान इन दिनों अपनी किताब के चलते काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल बुक लॉन्च हो चुकी है और इस किताब में करीना ने कई राज भी खोले हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि करीना कपूर इसी साल दूसरी बार मां बनी है। 21 फरवरी की सुबह करीना कपूर ने अपने दूसरे बेटे जे अली खान को जन्म दिया था। करीना के दूसरे बेटे जे अब 6 महीने के हो चुके हैं, तो वहीं अपने बेटे जे के बारे में बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं करीना। इसी दौरान देखा जाए तो हाल ही में बेबो करीना कपूर खान ने अपने दोनों बेटों को लेकर बातचीत की है। अपने एक इंटरव्यू में करीना ने अपने बेटों के भविष्य को लेकर बातचीत की है और अपने फैसले को सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, करीना नहीं चाहती हैं कि आगे चलकर उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखें। दरअसल करीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 6 महीने में टीम को बहुत सारे नए चेहरे पसंद नहीं थे, लेकिन जे सहज लगता है। तैमूर में सैफ का व्यक्तित्व अधिक है और जे बिल्कुल अलग है। टीम काफी अलग है, उसे कला, रंग और ड्राइंग पसंद है, उसे नई चीजें खोजना बेहद पसंद है। वहीं जे पीसीएन है, अब देखते हैं कि उनका विकास कैसे होता है। वहीं करीना कपूर ने अपने बेटों के भविष्य को लेकर कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे दोनों बेटे पूरी तरह से अच्छे इंसान बने। मैं चाहती हूं कि लोग कहें कि वो अच्छी तरह से शिक्षित हैं और दयालु हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो फिल्मी दुनिया में कदम रखें या फिल्म स्टार बने। मुझे खुशी होगी अगर टीम आता है और मुझसे कहता है कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उसकी पसंद हो। मैं उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगी। करीना कहती हैं कि वह एक ओवर इन्वॉल्व्ड मॉम नहीं बनना चाहती हैं और ना ही मैं हेलीकॉप्टर मॉम की तरह बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो गिरें और सीखें, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मेरी माँ ऐसी थी, जो तुम चाहो करो, गलतियाँ करो और फिर उन्हें सुधारना सीखो, क्योंकि यही काम करता है। इस तरह से करीना कपूर ने अपने दोनों बेटों को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9।